दमदारी करेगा, मारेगा साला को पड़ी उड़ जाएगा। अरे लाशें भी शायद बांचू तो अभी तो हमारे जाना नहीं है, अभी भरम छोड़ दो। लाशन गिरा देंगे इनका घोसड़ी वाला के, हमारा भी रंगदारी चले घर ना। ठीक बात है, ठीक है। अरे तू पागल हो गया यार, तू बात आदमी हल्ला कर ले है, समझो ना बात। बहन चलो हम रहा हम का मामला उठावे के बाप भाई के मामला से बेटे का देखो तू कैसा कर भाई भी बड़ा भाई बोलवा दे बेटा क्या बोल रहे यार बारिश का ना कल मजा पर बिल्कुल गांव है रोड जाम कर दे मैं सब गांव में भाई तो आ रहे हैं बेटा भाई गांव मार बोले भाई तो रोड जाम कर दे मेरे पास ये इस बोले जाए वो पलथी में रखो तो इसको कल ही हम पार्टी में फैसला हो इसको भाई नहीं मुखिया है देखे तो एकार तो आर सब करते हैं बिहार से होगा ना भैया ना ना ये मनहानी अथी है एकार तो लास्ट मेरे हम मनहानी का केस करेंगे हमको कट हम युवा जाति का विधानसभा प्रभारी है हम युवा जाति का विधानसभा प्रभारी है हम युवा जाति का विधानसभा प्रभारी है सब हो जाएगा हम अभी केस कर रहे हैं जाके अभी अथी में कोर्ट में और इसका उसको एनएम पे लटकाने तू लगा तू मेरा मोबाइल पकड़ने का तुमको अवकाश है रुक तो अभी आप जो गाली सुन रहे थे वो किसी आम जनता या फिर आम नशेड़ी का नहीं था, वो गाली सुशासन बाबू के गृह जिला के इस्लामपुर थाना अध्यक्ष का था जो कि जेडीयू के एक नेता को दे रहे थे। नेता को इसलिए दे रहे थे क्योंकि रात में उनका एक ट्रैक्टर मिट्टी लोड कर करके सड़क से गुजर रहा था और थाने के कुछ अधिकारियों ने उसे जब्त कर लिया। अब जब्त कर लिया तो स्वाभाविक सी बात है जिसका ट्रैक्टर होगा वो उसे छुड़वाने के लिए जाएगा ही। नेताजी गए थे छुड़वाने के लिए, अब गए तो हो गया गाली गलौज। अब गाली गलौज इतना हद तक बढ़ गया कि नेताजी थानेदार पर केस करने को तुल गए। बिहार में इस प्रकार का मामला आम बात है, कहने का तो बिहार में शराबबंदी है, लेकिन उनके तेवर से लग रहा था कि दरोगा जी भी नशे में धोत थे। अब सवाल ये उठता है कि जब थानेदार आम जनता को गाली दे तो फिर उसके चरित्र पे क्वेश्चन मार्क उठता है। अब नीतीश कुमार के गृह जिला के थानेदार अपने आप को सिंघम समझते हों तो फिर अन्य जिले के थानेदार अपने आप को क्या समझते होंगे वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जब थानेदार गाली दे रहे थे कि निकाल गोली रे मार देंगे साला के मार देंगे पूरा एकदम गाली दे करके देखिए क्या वीडियो आप, मतलब कि हम देख करके शॉक्ड हो गए। हमें एक मतलब कि जो सूत्र होते हैं वो हमें भेजे कि चौरसिया जी देखिए ऐसा ऐसा वीडियो है दरोगा जी का वायरल हो रहा है। देख करके मैं मतलब कि सहम गया भाई कि ऐसे एक थानेदार एक नेता को वो भी जेडीयू के नेता को सत्ताधारी पार्टी के नेता को ऐसे गाली कैसे दे सकता है। दरोगा जी अब जो नेता जी थे वो तो केस करने पर तुले हुए हैं, लेकिन आगे क्या अपडेट है ये हम आपको देते रहेंगे। अभी तक जो अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं। एक अपडेट ये भी है कि गरीबों के मसीहा जो पप्पू यादव हैं उनके पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनका कहना है कि हम इस्लामपुर थाना परिसर के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। इस्लामपुर विधानसभा में जिस प्रकार से घटना अभी हमारे जानकारी में मिल रही है कि वहां के थाना अध्यक्ष के द्वारा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर और जान से मार देने की धमकी और लाश गिरा देने की धमकी और हथियार लोगों के ऊपर तानने की जो घटना भी हमारे नजर के सामने आ रही है, इस मामले पे मैं स्वयं इस्लामपुर थाना प्रभारी जिसे पहले व्यक्तिगत रूप से मिलने का एक समय लूंगा और अगर नालंदा जिला प्रशासन के आला अधिकारियों का उसके बाद मिलने के बाद भी अगर रवैया यही रहता है तो जन अधिकार पार्टी अपने समर्थकों के साथ इस्लामपुर थाना के बाहर
धरना पर बैठेगी और इस प्रकार की घटना का निंदा करेगी। वो इसलिए धरना प्रदर्शन करेंगे क्योंकि थानेदार साहब गाली गलौज कर रहे हैं। वो गाली गलौज जब एक नेता से कर रहे हैं तो आम जनता से वो किस तरह पेश आते होंगे, ये सोचने वाली बात है, ये विचार करने वाली बात है। बिहार में शराबबंदी है, बिहार में क्या बोलते हैं उसको, गुटखाबंदी है, लेकिन किस तरह से बंदी है वो आप लोग को पता है। अब बात ये उठता है कि इतना भद्र भद्र गालियाँ जब एक थानेदार एक जेडीयू के नेता को दे तो फिर सुशासन बाबू के जो सिद्धांत है उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। जब सुशासन बाबू बोलते हैं, नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि हमारे राज्य में सुशासन की सरकार है, हमारे राज्य में प्रशासन की सरकार है, और ये इस्लामपुर में सत्य साबित हो जाता है। इस्लामपुर में प्रशासन की सरकार है, देखिए दरोगा जी गाली दे रहे हैं, कहे नहीं है प्रशासन की सरकार, इसी को तो बोलते हैं प्रशासन की सरकार। मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा भाई साहब कि राष्ट्रपति शासन लागू है, मतलब कि इस्लामपुर में मार निकाल गोली रे मार देंगे साला के। कैसे मार दीजिएगा थानेदार साहब, आपके पास राइट थोड़ी है मारने का गोली किसी नेता को या फिर किसी मतलब कि आम जनता को, ऐसे ही गोली मार दीजिएगा, नहीं ये गलत है, बिल्कुल गलत है। हम इस आपके इस कृत्य के मतलब की बात हम निंदा करते हैं, नालंदा दस्तक निंदा करती है। आप इस प्रकार मतलब कि भद्र गालियाँ दे रहे हैं एक जेडीयू के नेता को, एक मतलब कि जनप्रतिनिधि को, तो आप आम जनता से कैसे पेश आते होंगे? हमें तो समझ में नहीं आता कि आप आम जनता से कैसे पेश आते होंगे। जब आप यहाँ पे पदस्थापित हुए, तो मतलब कि महीना दिन भी नहीं हुआ आपको यहाँ पे आए हुए, जब हम आपसे पहली बार मुलाकात किए थे तो आपका स्वभाव देख करके मतलब हम प्रफुल्लित हो गए थे कि इतने अच्छे थानेदार हैं, इतने अच्छे से बात किए थे आप। लेकिन आपको परसों क्या हो गया रात को, मतलब कि कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें। और क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले में वीडियो मतलब कि इस तरह वायरल हुआ, इस कदर वायरल हुआ कि एकदम हवा में, जैसे बोलते हैं ना कि हवा चल रहा हो, एकदम ऐसे वायरल हो रहा है। हमारे पास लगभग दर्जनों ग्रुप्स हैं, सभी में वीडियो आया, हम देख करके दंग रह गए भाई साहब। दरोगा जी एकदम सनके हुए थे, गाली ले रहे थे, जेडीयू के नेता को गाली दे रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है आम जनता से वो कैसे पेश आते होंगे, जरा फिर एक बार सुनिए कि दरोगा जी क्या कह रहे हैं, एकदम अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं भाई। अभी तो हमारे जाना नहीं है, अभी भरम छोड़ दो, एकदम अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं भाई। माता श्री को गाली दे रहे हैं, नेताजी के माता श्री को गाली दे रहे हैं, नेताजी के बहन श्री को गाली दे रहे हैं, तो आम जनता से कैसे पेश आते होंगे, सोचिए आप। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि दरोगा जी के इस कृत्य के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। और इस वीडियो पे जो भी अपडेट आएगा, हम कोशिश करेंगे कि जो नेताजी को वो गाली दे रहे थे उनसे भी बात करें जा करके, क्योंकि नालंदा दस्तक दोनों पक्ष से बात करने के लिए हमेशा से मतलब कि कायम रहा है। और हम कोशिश ही नहीं बल्कि आपको विश्वास दिलाते हैं कि वो जो जिनको गाली दे रहे थे उनसे भी हम वार्तालाप करेंगे, और उसकी भी वीडियो बहुत जल्द मतलब कि 24 से 48 घंटा के बीच हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। और देश दुनिया की तमाम खबर, खास करके नालंदा की तमाम खबर देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, वीडियो जर्नलिस्ट गौतम के साथ, नालंदा दस्तक, इस्लामपुर, नालंदा।